एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं मोहम्मद बिन नासर और मैं वेलकम करता हूं आप सबको अनदर वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई वांट टू रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड डू कमेंट ऑन द वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेज अफगानिस्तान, जो थर्ड वनडे खेला गया था कल कोलंबो में। पाकिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। जैसे आपको पता, पाकिस्तान सीरीज पहले जीत चुका था, 2-0 अप था, लेकिन फिर भी अलॉट टू प्ले फॉर था इस मैच में पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए भी अपनी टू लीव विद विन। ऑल द सीरीज तो नहीं जीत सकते थे, लेकिन एक विन के चांस था कि टू फिनिश ऑन अ हाई नोट। तो पाकिस्तान वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। पाकिस्तान मेड फोर चेंजेस टू द प्लेइंग 11। उसामा मीर, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, हारिस रऊफ को रेस्ट कराया पाकिस्तान ने और साउथ शकील कैमिन और वसीम जूनियर, फहीम अशरफ और मोहम्मद नवाज को चांस दिया था। बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट की थी क्योंकि ऑब्वियसली दिस वाज द लास्ट गेम बिफोर एशिया कप। अफगानिस्तान ने भी दो चेंजेस किए थे, गुलबदीन नायब और फरीद को लेके आए थे वो। अपने दो बॉलर्स की जगह तो पाकिस्तान गॉट ऑफ टू अ गुड स्टार्ट। विकेट जो थी, वंस अगेन बॉलिंग विकेट लग रही थी और वही लग रहा था 200 जो है वो काफ़ी होगा इस विकेट पर। पाकिस्तान ने अच्छा स्टार्ट किया। इमाम और फखर वंस अगेन स्क्रैच ही लगे स्टार्ट में, लेकिन जैसे ही वो सेट हुए एक बुरा शॉट खेला और दोबारा आउट हो गए। तो मतलब ये थोड़ी बात पाकिस्तान के लिए कंसर्निंग हो सकती है, कंसर्निंग है कि है ये जो फखर की फॉर्म जो लगी हुई है इस वक्त, इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है। 27 के क्या आउट हो गए थे। उसके बाद बाबर और इमाम है। इमाम भी इस सीरीज में पहली दफ़ा स्ट्रगल किया इमाम ने और इमाम कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, 13 रन बना के आउट हो गए। फिर बाबर और रिजवान आए और दोनों ने इनिंग्स को संभाला। रन्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे, एक दो करके आ रहे थे और रन रेट 3.2 था। और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स जो थे स्टार्ट हो गए जी के बाबर को यह नहीं आता, रिजवान को खेलना नहीं आता, रिजवान नंबर 4 पे क्यों आता है जब उसे खेलना नहीं जाता, बाबर स्टैट पैडिंग कर रहा है, ये दोनों स्टैट पैडिंग कर रहे हैं, टीम में जगह पक्की कर रहे हैं। तो खैर, और हालांकि ये साफ नज़र आ रहा था, कोई इतनी आपको रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी कि विकेट जो है वो बॉलिंग विकेट है, अन ईवन बाउंस था, टर्न हो रही थी। रॉकेट साइंस नहीं चाहिए थी आपको इस पिच पे के समझने के लिए कि क्यों इस तरह खेल रहे हैं, क्योंकि आपका मिडल ऑर्डर इनएक्सपीरियंस है। आज इफ्तिखार भी नहीं थे और आपका साउथ शकील का डेब्यू तो नहीं, पांचवा मैच था। तो आप इसलिए उन्होंने इनिंग्स को संभाला क्योंकि नया बैट्समैन जो आ रहा था वो उसके लिए मुश्किल हो रही थी इस विकेट पर। तो लेकिन 30 ओवर में 103 स्कोर था पाकिस्तान का दो आउट पर। और उसके बाद फिर इन ड्रिंक्स ब्रेक के बाद जिस तरह दोनों ने सेट होकर एक्सेलरेशन किया, आउटस्टैंडिंग एक्सेलरेशन किया बाबर और रिजवान दोनों ने अपनी 50s भी कंप्लीट की और उसी प्रोसीजर में जो है वो पाकिस्तान ने एक अच्छा स्कोर किया। रिजवान जो थे 67 रन किए, बाबर ने 60 किए, राशिद खान ने आउट किया। और उसके बाद साउथ शकील जो थे 6 बॉल ने खेली, साउथ शकील ने अच्छे खेल रहे थे लेकिन अनलकी और रन आउट हो गए। फिर अच्छा फिनिश जिस तरह किया नवाज और सलमान अली आगा ने, आउटस्टैंडिंग फिनिश किया क्योंकि एक मिनी कोलैप्स हो गया था बाबर और रिजवान के विकेट के बाद। दोबारा 190 पे 6 से 268 तक ले गए दोनों और एक बहुत अच्छा स्कोर था इस विकेट पर। साउथ शकील भी ऐड हो गया है एशिया कप की स्क्वाड में क्योंकि ओरिजिनली जो था वो सिर्फ उसके लिए से अफगानिस्तान सीरीज के लिए था, लेकिन उसे भी अब ऐड कर लिया गया स्क्वाड में। और तैयब ताहिर जो है वो ट्रैवलिंग रिजर्व के में होगा साथ। तो 268 रन्स का टारगेट था अफगानिस्तान को मैच जीतने के लिए। और अफगानिस्तान ने स्लो स्टार्ट किया। फहीम अशरफ बॉल ब्यूटिफुली सोडेड शाहीन, फहीम पिक्ड अप 2 विकेट्स। और उसके बाद जो है थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी बिटवीन हशमत एंड रियाज हसन। और उसके बाद फिर
20 ओवर में 60 रन था, वो भी स्ट्रगल ही कर रहे थे। फिर शादाब खान आए, शादाब खान पिकड अप 2 विकेट से 9 ओवर, और आगा सलमान ने भी 1 विकेट ली वहाँ पे, और 63 पे 5 आउट हो गए थे 25 ओवर में। और लग यही रहा था कि मैच वहीं पे ख़त्म हो चुका है और पाकिस्तान ये मैच जीत चुका है। और उसके बाद नवाज़ ने भी अच्छी बॉलिंग की और मोहम्मद नबी को भी आउट किया नवाज़ ने, और 78 for 6 थे आफ्टर 30 ओवर्स अफगानिस्तान। और उसके बाद DRS का मसला हुआ थोड़ा, जो मेरी समझ में तो अभी तक नहीं है ये बात कि भाई अब इंटरनेशनल लेवल पे मैच खेल रहा है और DRS कैसे नहीं है, अवेलेबल नहीं है, किस तरह। वो एक सीधा आउट था, प्लम आउट था। अंपायर तो माशाल्लाह, अगर कोई भी होता है अंपायर अनबायस्ड और आंखें सही काम कर रही होती हैं उसकी, तो वो तो सीधा आउट दे देता, रिव्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। पाकिस्तान ने रिव्यू लिया, वो कहते हैं DRS अवेलेबल ही नहीं, हालांकि अंधा भी बच्चा भी बता सकता था कि सीधा आउट है। तो खैर एनीवेज, उसके बाद फिर मुजीब ने अपनी दूसरी बारी का पूरा फ़ायदा उठाया, बहुत अच्छी बैटिंग की मुजीब ने, क्रेडिट जाता है उसको, जो उनके बैट्समैन नहीं कर सके मुजीब ने करके दिखाया सेम विकेट पे। और फास्टेस्ट 54 अफगानिस्तान इन वनडेज का भी उसने रिकॉर्ड बनाया, 64 रन किए मुजीब ने, लेकिन आउट भी फिर वो उतनी अजीब तरीके से हुआ, हिट विकेट हो गया। तो और फरीद ने 19 रन किए, बदतमीज फरीद ने। तो खैर, और फारूकी चीटर के भी जो नारे लग रहे थे वो भी, फिर उस पर भी लड़ाई तो हुई है स्टेडियम में। लेकिन आपको पता हो कि अगर आपको पता होना चाहिए कि अगर इस तरह के आप करोगे हरकत, तो ये तो आपको सुनने को मिलेगा, क्योंकि लोग नहीं भूलते ये मैन कैट जो भी करता है, लोग नहीं भूलते इसको। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि नहीं कहना चाहिए, चलो ना क्यों। उसके बाद पाकिस्तान देन शाहीन अफरीदी क्लीन अप द टेल, और शाहीन ने आखिरी विकेट ली और पाकिस्तान वन द गेम बाय 59 रन्स और क्लेंच द सीरीज 3-0। वाइट वॉश क्लीन किया पाकिस्तान ने, क्लीन स्वीप किया अफगानिस्तान को। अब पाकिस्तान हैव नाउ बिकेम द नंबर वन ODI साइड वंस अगेन और हैव दे रिक्लेम द टॉप स्पॉट इन द ICC ODI रैंकिंग्स। ह्यूज कॉन्ग्रेचुलेशन टू द होल टीम पाकिस्तान, होल पाकिस्तान, वेल डन टीम पाकिस्तान, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और जितनी तारीफ की जाए कम है, बाबर की, रिजवान की, टीम मैनेजमेंट की, मिकी अर्थर, ग्रैंड ब्रेडबन, जितनी तारीफ की जाए कम है। और हैट्स ऑफ टू द एंटायर टीम, जो जितने भी लोग इसमें हैं शामिल, क्योंकि पाकिस्तान हैव बीन ब्रिलियंट इन वन डे इंटरनेशनल फॉर द पास्ट 2 to 3 ईयर्स, और ODI जायंट्स पाकिस्तान बन चुका है। और एशिया कप में आप वी विल बी एंटरिंग एज नंबर वन साइड। तो कहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी, आपको याद है हम मर मर के क्वालिफाई हुए थे, और अब 6 साल बाद देखें वी आर एंटरिंग इन टूर्नामेंट सीजन एज नंबर वन ODI साइड। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, और इंशाल्लाह इसी मोमेंटम को कैरी करना है अब आगे एशिया कप में, वर्ल्ड कप में, और दोनों ट्रॉफीज इंशाल्लाह पाकिस्तान लेके आनी है। हमें पूरा यकीन है ये लड़के कर सकते हैं। रिजवान वॉज नेम्ड एज द मैन ऑफ द मैच फॉर हिज ब्रिलियंट 67, और इमामुल हक वॉज नेम्ड एज द मैन ऑफ द सीरीज। और पाकिस्तान, खैर अफगानिस्तान के भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस सीरीज में, दे हैड देयर मोमेंट्स बट जस्ट कुडंट कैपिटलाइज ऑन इट। और अफगानिस्तान को अपनी फील्डिंग पे खास तौर पे वर्क करना पड़ेगा और डिसिप्लिन पे, बाकी चीज़ें बाद में, पहले डिसिप्लिन पे काम करना है, इनके आधे से ज़्यादा मसले हल हो जाएंगे। तो खैर एनीवेज, पाकिस्तान वन में 59 रन्स एंड क्लिंच द सीरीज 3-0 एंड नाउ टॉप द ICC रैंकिंग्स चार्ट वंस अगेन। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन, वेल डन टीम पाकिस्तान। सो येस, दैट्स इट फ्रॉम दिस व्लॉग, होप यू लाइक इट, इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और येस, अब वेडनेसडे को इंशाल्लाह पाकिस्तान वर्सेस नेपाल मुल्तान में आपका भाई भी मैच देखने जाएगा और इंशाल्लाह जीत के आएंगे। सो येस, अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।